गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रितिकास डायरी। सो गाइस आज का वीडियो एक ब्लॉग नहीं होने वाला है, ये एक रिव्यू होने वाला है एक ऐप के रिगार्डिंग जो लोगों को स्कैम कर रहा है बोल सकते हो। रिसेंटली मैंने द पॉपुलर ऐप मीशो पे एक प्रोडक्ट परचेस किया एंड द प्रोडक्ट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट। कम्प्लीटली देखिए क्या ऑर्डर किया एंड क्या आया। आई वॉज फाइन लाइक ठीक है आ गया तो अब रिटर्न कर देंगे। बट गाइस मैंने 3 दिन इस कपड़े को लेके मैं 3 दिन मेरे को बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हुआ है। मैंने पहले दिन गए जब रिटर्न करने तो वो लोग ने इसके कुछ पिक्चर्स खींचे और बोले कि इसका कोई क्वालिटी चेक इशू है क्योंकि ये डिफरेंट प्रोडक्ट है। तो उन्होंने मुझे कुछ समझाया और उन्होंने बोला कि आप बस इसको अभी रिटर्न ले जाओ, हमने पिक्चर्स क्लिक कर लिए, आपको ये कल रिटर्न करना है। मैंने सोचा ठीक है, ये शायद मैं पहले टाइम एक्चुअली मैं रिटर्न कर रही थी शायद, तो मतलब ये डिफरेंट प्रोडक्ट से मैं फ़र्स्ट टाइम रिटर्न कर रही थी, उससे पहले साइज़ रिलेटेड इशू ये सारा से किया है, मेरे को उतना आइडिया नहीं था। तो सेकेंड टाइम उन्होंने जब ऐसा बोला कि आप ये नेक्स्ट टाइम रिटर्न करो, तो मैंने फिर सेकेंड टाइम फिर से मैंने इनिशिएट किया रिटर्न के लिए, फिर से कॉल आया मुझे, मैं फिर लेकर गई। तो उन्होंने मुझे यही बोला, उन्होंने फिर से पिक्चर्स क्लिक किए और उन्होंने यही बोला कि आप वेट करो जब तक ये पिक्चर्स आपने जहाँ से ऑर्डर किया है वो ऑर्डर के वहाँ से पिक्चर जब तक नहीं हट जाता आपका ये प्रोडक्ट रिटर्न नहीं होगा। तो आई वॉज़ वेरी वरीड क्योंकि इसका एक्सपेक्टिंग टाइम 31 मार्च तक था जब तक आप इसको रिटर्न कर सकते हो। तो मैंने जब ये सेकेंड टाइम हुआ नहीं आई वॉज़ रियली फ्रस्ट्रेटेड। तो मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, मैंने उनको बताया मेरा प्रॉब्लम जो भी है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि मैम ये नहीं हो सकता रिटर्न क्योंकि इसमें क्वालिटी चेक इशू नहीं है, ये आपका डिफरेंट प्रोडक्ट है लेकिन ये कस्टमर केयर का प्रॉब्लम नहीं है, ये जो सप्लायर है उनका प्रॉब्लम है और ये सप्लायर जब तक इसको एग्री नहीं कर सकते तब तक ये रिटर्न नहीं हो सकता। आई वॉज लाइक अगर आप किसी ऐप से प्रोडक्ट खरीद रहे हो अगर वो जेन्युइन है तो आप कस्टमर केयर के ऊपर ही डिपेंड रहोगे ना, आप तो सप्लायर के साथ डायरेक्टली कंटेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर कस्टमर केयर ही आपका हेल्प नहीं कर रहा तो आम कस्टमर कहाँ जाए, किसके पास हेल्प लेने जा सकते हैं। हम डिलीवरी वालों के ऊपर भी नहीं हम शाउट कर सकते बिकॉज इट इज़ नॉट देयर फॉल्ट। तो मैंने उनको पूछा कि क्या मैं इसका ऑप्शन चेंज करके मैं रिक्वेस्ट दे सकती हूँ क्या, लाइक इतने दिनों से मैं फॉर प्रोडक्ट डिफरेंट है ये दे रही हूँ, मैं अलग कोई एक्सचेंज ऑफ में दे सकती हूँ क्या कोई ऑप्शन अलग वाला। तो उन्होंने बोला यस मैम आप एक बार ट्राई कर सकते हो। तो मैंने नेक्स्ट डे वही किया, मैंने आई डिडंट लाइक द प्रोडक्ट वाले पे मैंने वही ऑप्शन लेके किया। तो नेक्स्ट डे जब डिलीवरी वाला आया तो मैंने उसको कॉल पे ही पहले पूछ लिया आप क्या करने वाले हो इस चीज़ को लेके, क्या फिर से इसका पिक्चर क्लिक करोगे एंड ऑल दैट शिट। तो उन्होंने बोला यस मैम इसका पिक्चर क्लिक करेंगे फिर आप लेके जाना प्रोडक्ट। तो मैंने बोला भैया मैं 3 दिन ऑलरेडी आ चुकी हूँ, इसी चीज़ों पर आप लोग मुझे घुमा रहे हो, आपको मैं प्रोडक्ट घुमाने नहीं रिटर्न करने नहीं आ रही है अभी क्योंकि मैं इट्स नॉट फेयर कि हर बार मैं जाऊँ हर बार रिटर्न आऊँ, तो आप मेरे को एक सॉल्यूशन बता दो। अब तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला आप मिसिंग प्रोडक्ट पे जाके आप कर सकते हो, मिसिंग प्रोडक्ट का ऑप्शन दे देना उस पर हम लोग प्रोडक्ट लेके जा सकते हैं और अभी के लिए आपको प्रोडक्ट का रिटर्न कैंसिल कर दो। तो उन्होंने मुझे OTP भेजा तो मैंने कैंसिल कर दिया। आज 4th day है जब मैंने सोचा कल ऐसा हुआ है मिसिंग प्रोडक्ट वाला उन्होंने बोला है देने के लिए, तो मैंने आज फिर से वही मिसिंग प्रोडक्ट पे मैंने करने के लिए गई। तो आज मुझे दिखा रहा है कि यू कैन नॉट रिटर्न दिस प्रोडक्ट एनी मोर बिकॉज आपने 2-3 बार अटेम्प्ट कर लिए है एंड रिटर्न का, जबकि मेरा प्रोडक्ट रिटर्न हुआ ही नहीं है। सो गाइस दिस वाज द प्रॉब्लम विच आई फेस्ड परचेसिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम मीशो ऐप एंड आई डोंट नो व्हाट शुड आई डू विद दिस राइट नाउ बिकॉज मेरे को जेनरली ये कपड़ा पसंद नहीं आया। अगर ये फिर भी रिटर्न नहीं होता फिर भी मुझे पसंद आता ना तो मैं रख ली थी, बट दिस इज समथिंग आई डिडंट लाइक एट ऑल। तो मैं क्या करूँगी अब, इसका मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये रखना पड़ेगा। बट
मैं ओनली यही बोलना चाहूँगी कि मीशो पे थोड़ा रेट कम है, इसलिए हम चीज़ें वहाँ से परचेस करना चाहते हैं। बट अगर मीशो हमारे साथ ऐसा करेंगे तो हम नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली नो वन विल ट्रस्ट इट। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा मीशो के साथ। सो गाइस, आई होप एंड आई वॉर्न यू ऑल कि अगर आप किसी नेक्स्ट टाइम मीशो से कुछ परचेस करने वाले हो तो प्लीज़ बी केयरफुल।